आमिर जी, मैं आपका पैर धो के पीऊंगा। मधुबनी का तीनों चीनी मिल, मधेपुर की दूध की फैक्ट्री, दरभंगा का पेपर मिल, अमित शाह जी आए, मट्टी भारत और मिट्टी कोई बात नहीं है। के पाठक को राइट नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बीते दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे। बिहार के झंझारपुर में जनसभा को संबोधित किए थे, जिसको लेकर जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव खूब भड़क गए अमित शाह पे और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि अमित शाह बिहार आए थे लेकिन बिहार के हित में कोई बात नहीं की। उन्होंने कोसी सीमांचल के बारे में कुछ बात नहीं की, दरभंगा एम्स के बारे में बात नहीं की। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर अमित शाह दरभंगा और कोसी सीमांचल को बाढ़ से मुक्त कर देंगे तो हम उनका पैर धोकर पिएंगे। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। अमित शाह जी आए, मट्टी भारत और मिट्टी कोई बात नहीं, सहरसा और दरभंगा के एम्स का चर्चा नहीं किया, बाढ़ से मुक्ति की बात नहीं की, कोसी सीमांचल के विशेष स्टेटस की बात नहीं किया, मक्का और मखान की बात नहीं किया, झंझारपुर के बगल में मधेपुर दूध की सबसे बड़ी फैक्ट्री और मधुबनी की तीनों चीनी मिल खुलने की बात नहीं किया। पेपर की बात नहीं किया, दरभंगा के पेपर मिल की बात नहीं किया। अरे अमित जी, मैं आपका पैर धो के पीऊंगा। आप मधुबनी का तीनों चीनी मिल, मधेपुर की दूध की फैक्ट्री, दरभंगा का पेपर मिल और सीमांचल और कोसी को बाढ़ से मुक्ति कर दीजिए। बारे बार सब लगे हैं मनु स्मृति या रामायण की कथा पढ़ने में, कुरान को बाबिल या दलित को गाली देने में। इसीलिए मेरा आग्रह है मंत्री जी, आप सर्वोच्च हैं, आपसे ऊपर के पाठक नहीं है। के पाठक को राइट नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। ये बिहार सरकार इसकी इजाजत नहीं देता है, जो हमारा धारा है, कानून है कि कोई सेक्रेटरी मंत्री के रहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लगातार मंत्री का अपमान का मतलब है सरकार का अपमान। यदि आपको के पाठक जी और यह विभाग लगातार टॉर्चर कर रहा और नहीं चल रहा है, आज जरूरत है बिहार में हर कॉलेज में 1500 पर एक सीट, एक टीचर एक प्रोफेसर है, उसको बढ़ाइए, दूसरा रूम करिए। मनु स्मृति हजार साल पहले, अब आज है वन नेशन वन एजुकेशन वन हेल्थ और वन जॉब। जो काम अमित शाह करके जाएंगे वही काम हमारी सरकार का भी कोई विभाग करे, या सही नहीं है हमारी पार्टी। तो अभी आपने देखा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पे खूब बरसते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री बिहार दौरे पे आए थे लेकिन बिहार के हित में कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि सीमांचल की बाढ़ के बारे में बात नहीं की, अगर अमित शाह अगर सीमांचल और कोसी को बाढ़ से मुक्त कर देते हैं तो हम उनका पैर धोकर पिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि के पाठक को मीडिया से रूबरू होने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक वहाँ पर जब मंत्री अवेलेबल है, जब तक मंत्री इसमें है, हित में है, जब मंत्री उसका परिणाम का स्वयं उसका स्वरूप ले सकता है, तब तक उनको कोई हक नहीं है, के पाठक को कोई हक नहीं है मीडिया से रूबरू होने का, जिसे सरकार को तवज्जो हो। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों को जुड़े रहे हमारे साथ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।